तो हमें फैक्टराइज करना है ए टू पावर फोर माइनस बी टू पावर फोर को। तो सबसे पहले इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए के प्लेस में ए स्क्वायर है और बी के प्लेस में बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर, क्योंकि यहाँ ए की जगह में ए स्क्वायर है और बी की जगह में बी स्क्वायर है। पहले क्या रहता था, ये रहता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिखते थे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बट इस बार क्या है, इसका भी होल स्क्वायर है ऐसे, तो फिर यहाँ भी स्क्वायर लग जाएंगे, बस सिंपल। ओके, फिर यहाँ पे फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर से हम लगा देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो फैक्टराइज होगा नहीं, तो बस आंसर